Good morning, children, and welcome back in your civics class. I hope that you all are fit and fine, feeling happy and healthy. मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो देख रहे होंगे और वीडियो देखने के साथ साथ आप घर पे अपने पढ़ भी रहे होंगे और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सबको जो है ये स्कूल की तरफ से ये नोटिस आप लोग को भेजा जा चुका है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम जो हैं वो आपके 24 से शुरू हो रहे हैं, यानी 24 तारीख से, इन 24 अगस्त से जो है आपका हाफ ईयरली एग्जाम जो है वो शुरू हो रहा है, जैसा कि आपको डेट पता ही चल गई है. तो बच्चों, जैसा कि डेट आपको पता चल गई है, तो मैं आपको जो है वो इतिहास और नागरिक शास्त्र, यानी सिविक्स और हिस्ट्री और सिविक्स का जो सिलेबस है कि हाफ ईयरली में कौन कौन हाफ ईयरली का सिलेबस जो है मैं आपको बता देती हूँ. बच्चों, इतिहास में आपका, इतिहास का जो सिलेबस है, इतिहास में आपका है पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति और दूसरा चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति. यानी इतिहास में पहले दो चैप्टर, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, यानी पहला पार्ट और दूसरा पार्ट. पहला पार्ट आपका है फ्रांसीसी क्रांति और दूसरा आपका है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति. ये दो चैप्टर इतिहास में आपके आ रहे हैं हाफ ईयरली सिलेबस में, और ये दोनों ही चैप्टर आपको पूरी तरीके से पढ़ना है और अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा. और जो है ये आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके इन चैप्टर में से आएंगे. तो जो जो टॉपिक या जो जो शीर्षक जो है आपको पढ़ाया गया है इस चैप्टर में, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो देखकर. नोट्स पे जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से. तो इतिहास में आपका है फ्रांसीसी क्रांति और दूसरा चैप्टर आपका है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति. ये आपके इतिहास के दो चैप्टर हैं जो आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं. और बच्चों, आपका नागरिक शास्त्र में यानी सिविक्स में आपका है लोकतंत्र क्या एवं क्यों. पहला आपका चैप्टर जो हमने पढ़ाया था वो है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों. लोकतंत्र क्या एवं क्यों, ये पहला चैप्टर है. और दूसरा आपका चैप्टर जो अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको वो है संविधान निर्माण. आपका पहला चैप्टर है सिविक नागरिक शास्त्र में लोकतंत्र क्या एवं क्यों, और दूसरा जो चैप्टर है, पार्ट है, वो है आपका संविधान निर्माण. और संविधान निर्माण में बच्चों आपका जो है, आप यहाँ आप संविधान निर्माण चैप्टर में जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, जो कंटिन्यू जो चल रहा है आपका, उस पार्ट में आपका संविधान निर्माण का रास्ता यहाँ तक आपका सिलेबस में आएगा. यानी पहला चैप्टर आपका सिविक्स में जो है नागरिक शास्त्र में है संविधान लोकतंत्र क्या एवं क्यों, और दूसरा चैप्टर जो है संविधान निर्माण. और दूसरे चैप्टर में संविधान निर्माण में आपका संविधान निर्माण का रास्ता यहाँ तक जो है आपका सिलेबस में आएगा. तो बच्चों, ये आपका जो है वो सिलेबस है जो कि हाफ ईयरली में आपको पढ़ना है. पहला आपका, जैसे हिस्ट्री में, इतिहास में मैंने बताया आपका फ्रांसीसी क्रांति, और दूसरा चैप्टर मैंने आपको बताया यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति. ये आपको सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, इसके सारे शीर्षकों को पढ़ना है. और जो है दूसरा सिविक्स में यानी नागरिक शास्त्र में जो आपका जो चैप्टर आएगा वो है आपका लोकतंत्र क्या एवं क्यों, और दूसरा है संविधान निर्माण, जिसमें आप का संविधान निर्माण पाठ में से संविधान निर्माण का रास्ता तक आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है. और आपको जो है वो पूरी तरीके से अच्छे से बिल्कुल आप इसको चैप्टर्स को पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट करके अच्छे से पढ़िएगा और थरली पढ़िएगा. बुक को पढ़ लीजिएगा, सारे चैप्टर्स सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तिथियों को पढ़ लीजिएगा, डेट्स पढ़ लीजिएगा, इवेंट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा. आप जो भी चैप्टर के बीच में इवेंट्स और डेट्स दिए हुए हैं उन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. एक एक टर्म जो है आप अच्छे से उसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा. और जो है आपको जो है वो क्वेश्चंस जो हैं आपको दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, और इसलिए जो है आप अच्छे से उसको पढ़िएगा, बढ़िया से आप उसको पढ़ के तैयार कीजिएगा, सारे पॉइंट्स क्लियरली पढ़िएगा, चैप्टर थरली जो है वो पढ़ लीजिएगा, और जिससे कि आपको जो है वो क्वेश्चंस के आंसर देने में आपको जो है वो मुश्किल नहीं होगी. क्लियर चिल्ड्रन? तो आपका ये सिलेबस है. तो बच्चों, हम जो पढ़ रहे थे
तो अब जो हमने जो चैप्टर शुरू किया था संविधान निर्माण में, वो हम पढ़ रहे थे संविधान निर्माण। हमने पिछले चैप्टर में साउथ है, पिछले लेक्चर में हमने, नॉट पिछले चैप्टर, पिछले लेक्चर में बच्चों हमने जो है वो संविधान निर्माण के जो हमने, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ थोड़ा सा पॉइंट्स एक बार जान लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने संविधान निर्माण में दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संरचना के बारे में पढ़ा, उनके संविधान के बारे में पढ़ा था। और हमने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ा कि किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका ने एक लंबा संघर्ष किया, रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष जो उसने शुरू किया था, एक बहुत ही बड़ा जो है वो संघर्ष उसने शुरू किया था, और देश के सामने, अपने देश के सामने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उसने एक व्यापक आंदोलन की एक बहुत ही ज्वलंत क्रांति का जो है वो संदेश दिया, एक ज्वलंत क्रांति का उदाहरण पेश किया था, प्रस्तुत किया था। और इस संघर्ष की अगुवाई, इस संघर्ष का नेतृत्व जो है नेल्सन मंडेला कर रहे थे, जो कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के लीडर थे। और बाद में जो है इन्होंने जो है रंग भेद नीति के खिलाफ जो एक संघर्ष शुरू किया, एक आंदोलन शुरू किया, वो बहुत ही व्यापक आंदोलन था, बहुत ही व्यापक और बड़ा आंदोलन जो है उन्होंने शुरू किया था, जो कि नेल्सन मंडेला ने अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा, अपने जो है वो भावनाओं को उन्होंने व्यक्त करते हुए उन्होंने एक कथन भी कहा था कि मैं इन श्वेत, मतलब मैं इन गोरे के प्रभुत्व के खिलाफ हूँ, और मैंने ही अश्वेतों के नेतृत्व का जो है विरोध किया है, और मैं एक ऐसी समाज की कामना करता हूँ जहाँ सब लोग मिल के रहें, बिना भेदभाव के रहें, और इसी आदर्श के लिए मैं जीना चाहता हूँ, और जो है और इसे पाना भी चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत तो मैं इसके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। तो एक रंग भेद के खिलाफ जो संघर्ष साउथ अफ्रीका ने शुरू किया, साउथ अफ्रीकन लोगों ने शुरू किया, वो एक बहुत लंबा चला, और इसका नतीजा ये हुआ। इस संघर्ष में हालांकि नेल्सन मंडेला को 28 वर्ष की कैद हो गई थी, मगर 28 वर्ष के बाद जब नेल्सन मंडेला रिहा हुए तो 1994 यानी 26 अप्रैल 1994 में वो पहले दक्षिण अफ्रीका के जो है वो राष्ट्रपति बने, और उसके बाद से जो है वो दक्षिण अफ्रीका का अपना संविधान बना, और जो है वो उन्होंने ये श्वेत और अश्वेत के बीच का जो भेदभाव था ये समाप्त हो गया, और साउथ अफ्रीका जो है गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। तो बच्चों हमने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष की कहानी जो थी, या संघर्ष की जो एक उसके बारे में चर्चा हमने पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। बच्चों आज के लेक्चर में जो है हम पढ़ेंगे कि आज के लेक्चर में पढ़ेंगे एक नए संविधान की ओर, यानी दक्षिण अफ्रीका एक लंबे संघर्ष के बाद रंगभेद नीति का जो संघर्ष था उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध जो उसने आंदोलन शुरू किया था, जो संघर्ष शुरू किया था, उस लंबे संघर्ष के बाद अब जो है दक्षिण अफ्रीका जो है एक नए संविधान की ओर जो है वो आगे बढ़ रहा था, एक नए संविधान की ओर जो है वो अब अग्रसर था। तो हम आज के शीर्षक जो आप पढ़ेंगे वो है पहला शीर्षक आपका कि एक नए संविधान की ओर और दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना और संविधान का अर्थ। बच्चों जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि दक्षिण अफ्रीका में किस तरह नेल्सन मंडेला ने इस क्रांति की अगुवाई की और नेतृत्व किया, और रंगभेदी के विरुद्ध जो है खिलाफ जो है उन्होंने एक लंबा संघर्ष शुरू किया, और उस संघर्ष का नतीजा ये रहा कि दक्षिण अफ्रीका को अपना एक संविधान मिला और एक मजबूत जो है वो सरकार का गठन वहाँ पर हुआ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दक्षिण अफ्रीका में लास्ट में, अंत में जो है उनको सफलता मिली, इस आंदोलन को सफलता मिली, और 28 वर्ष तक की कैद की सज़ा काटने के बाद नेल्सन मंडेला सन 1990 में रिहा हुए, और उन्होंने जो किया, रंगभेद की नीति जो है वो समाप्ति की कगार पे थी, अब रंगभेद की नीति जो है वो समाप्त होने जा रही थी, और जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर क्लार्क ने बहुत ही समझदारी और उदारवादी और समझौतावादी जो है वो नीति उन्होंने अपनाई, और उन्होंने रंगभेद समाप्त कर दिया, और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को और अन्य श्वेत दलों के साथ उन्होंने समझौते की नीति को अपनाया, उन्होंने उस नीति को अपनाया, समझौते की नीति को अपनाया, उन्होंने एक समझदारी, एक समझौतापूर्ण नीति उन्होंने अपनाई, एक समझौतापूर्ण नीति उन्होंने एक्सेप्ट की, अपनाई, और दक्षिण अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और अन्य श्वेत दलों के साथ उन्होंने मिलकर एक समझौते का जो है वो नीति अपनाई,
और इसके बाद जो था दक्षिण अफ्रीका एक गणराज्य बन गया, एक रिपब्लिक के रूप में जो है वो स्थापित हो गया, एक गणराज्य के रूप में वो स्थापित हुआ और नेल्सन मंडेला ने राष्ट्र सरकार का गठन किया। और इस लीडर यानी नोबल पुरस्कृत नेल्सन मंडेला जब उन्होंने सरकार का गठन किया तब उनका एक कथन था कि वो उन्होंने ये कहा कि वे सभी नस्ल के लोगों का आदर और सम्मान करते हैं और वे बदले की भावना से काम करना नहीं चाहते हैं, उनके अंदर बदले की कोई भावना नहीं है और उनके लिए सब बराबर हैं और श्वेत और अश्वेत का जो ये आधिपत्य है वो उनके विरुद्ध है, वो उनके खिलाफ है और जो है वो ये देश जो है वो सबका देश है। उन्होंने ये मतलब जो है वो उनका ये कथन था जब वो उन्होंने जब सरकार का गठन किया तो उनका ये कथन था कि वो जो है लोगों वो हर नस्ल के लोगों का आदर और सम्मान करते हैं और जो है वे बदले की भावना के बदले की भावना से काम करना नहीं चाहते हैं और वे अश्वेत और श्वेत के बीच जो एक आधिपत्य के विरुद्ध थे और जो है और ये देश जो है वो सबका है, यानी ये देश जो है सबका है, इसमें कोई भेदभाव यहाँ के लोगों में कोई भेदभाव नहीं होगा या नहीं होना चाहिए। अब नेल्सन मंडेला ने एक ऐतिहासिक कथन भी दिया कि ऐतिहासिक रूप से बने रहे जो एक दूसरे के दुश्मन थे, जो दो समूह थे, वो रंग भेदी शासन व्यवस्था किस जगह जो है एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने के लिए सहमत हो गए और क्योंकि ये दोनों समूह थे यानी श्वेत अश्वेत दोनों जो समूह थे वो एक दूसरे पे अब वो जो है वो भरोसा उनको एक दूसरे पे भरोसा था और उसे वे मानने के लिए तैयार थे। नेल्सन मंडेला का ये कथन था कि उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग अब जो है वो अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें और इस कथन पे वो भरोसा करें, इस आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार है। तो इस तरह का जो नेल्सन मंडेला के जो व्यूज थे, नेल्सन मंडेला के जो ये मत थे वो साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका में लोकतांत्रिक प्रणाली यानी गणराज्य स्थापित करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ। लोग बहुत ही प्रोत्साहित हुए और लोगों ने उनका खुल के समर्थन किया और फिर इसके बाद लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका में एक नया उदय हुआ, एक नया सूरज निकला जिसमें अश्वेत नेताओं ने भी इस समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए जो उन्होंने जुल्म किए, जो अश्वेत पर जो अश्वेत ने जुल्म किए हैं उन्हें वो भूल जाए और वो जो है उन्हें वो माफ़ कर दे। उन्होंने एक लिबरल पॉलिसी अपनाई, उदारवादी उन्होंने नीति अपनाई कि श्वेतों को भी माफ़ कर दिया जाए। हालांकि उन्होंने अश्वेतों पर बहुत जुल्म किया था, बहुत ही शोषण किया था उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, उदारवादी नीति अपनाते हुए उन्होंने कहा कि अब उनको भी जो है माफ़ कर दिया जाए और उनके वो जुल्म को वो भूल जाए। उन्होंने कहा कि अभी सभी नस्ल के लोग, चाहे वो स्त्री पुरुष हों, चाहे वो उनमें समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानव अधिकार पर आधारित जो है दक्षिण अफ्रीका का अब वो निर्माण करेंगे। यानी उन्होंने कहा साथ साथ कि अब जो है वो स्त्री पुरुष में समानता हो, लोकतांत्रिक मूल्यों की संरक्षण हो और सामाजिक न्याय और मानव अधिकार पर आधारित जो है एक नए दक्षिण अफ्रीका का वो निर्माण करेंगे। एक पार्टी ने दमन और हत्या के आधार पर जो है वो शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी के लिए संघर्ष का अगुवाई की। यानी एक पार्टी हत्या और दमन के आधार पर उसने शासन किया और दूसरी पार्टी ने उस पार्टी के विरुद्ध जो है संघर्ष का बिगुल बजाया और उसकी अगुवाई की। नए संविधान के निर्माण में अब दोनों जो थे दल जो थे वो साथ साथ बैठी और 18 नवंबर 1993 को ही अश्वेतों को मतदान का अधिकार देने तथा अल्पसंख्यक श्वेत शासन को समाप्त करने की अंतरिम संविधान की रचना कर दी गई। यानी 18 नवंबर
1993 में अश्वेतों को मतदान देने का अधिकार और श्वेतों का जो शासन समाप्त करने का अंतरिम संविधान की रचना की गई। यानी इस अंतरिम संविधान की रचना के साथ साथ अश्वेतों को मतदान करने का अधिकार मिला, जो कि उनको पहले नहीं था, और श्वेतों का जो शासन था वो समाप्त कर दिया गया। अब ये जो अंतरिम संविधान के जो अंतर्गत जो 400 निर्दलीय सदस्य जो राष्ट्रीय सभा यानी 400 जो है वो सदस्य राष्ट्रीय सभा और 19 सदस्यों की जो है सेनेट की व्यवस्था की गई थी। यानी ये इन संविधान में इतने सदस्यों की जो व्यवस्था की, इतने सदस्य जो उनका पार्टिसिपेशन था इस नए अंतरिम संविधान में। अब जो नर्व निर्वाचित संसद क्यों था? क्योंकि अब नया नया निर्वाचन हुआ था संसद का, नया नया संविधान बना था, नया नया गणराज्य बना था, तो नर्व निर्वाचित संसद को क्या हुआ, देश का जो स्थायी संविधान बनाने का अधिकार मिल गया। अब उनको अधिकार दे दिया गया कि आप अपना परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है अब आप बना सकते हैं, स्थायी संविधान बना सकते हैं, और इसलिए संविधान बनने की तैयारी शुरू हो गई। और संविधान निर्माण का जो संविधान बनाने में 1 वर्ष 10 माह 28 दिन लगे, यानी 1 साल और 10 महीने और 28 दिन का समय लगा अफ्रीका का संविधान बनने में। अब इस ऐतिहासिक क्षण में नेल्सन मंडेला ने कहा, उन्होंने एक स्पीच दी थी, उन्होंने का कथन था कि हम एक युग की समाप्ति और एक नए युग की आगमन की दहलीज पर खड़े हैं। यानी हम एक युग की समाप्ति कर रहे हैं और एक नए युग की आगमन की दहलीज पर हम खड़े हैं। और हमारे देश के इतिहास में पहली बार 27 अप्रैल 1994 को सभी दक्षिण अफ्रीकी, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग हो, चाहे वो किसी भी रंग के हो, चाहे वो किसी भी संस्कृति के हो, चाहे वो किसी भी रंग या रूप के हो, सभी नागरिकों को बराबर का अवसर दिया जाएगा और सभी नागरिक जो है बराबर रूप में जो है वो मतदान करेंगे। यानी उनको सभी नागरिक को मतदान देने का समान अधिकार होगा। ये नेल्सन मंडेला ने जो है वो उन्होंने अपने कथन में ये घोषणा की, ये उन्होंने कहा कि जो है इस ऐतिहासिक, यानी हमारे देश में जो एक ये इतिहास, हमारे देश के इतिहास में पहली बार 27 अप्रैल 1994 को सभी दक्षिण अफ्रीकी लोग, चाहे वो किसी भी रंग के हों, चाहे वो किसी भी रूप के हों, चाहे वो किसी भी नस्ल के हों, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी रूप के हों, किसी भी जनजाति के हों, सब जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे हैं उनको बराबर अधिकार होगा मतदान देने का, मतलब अधिकार देने का, उनको समान अधिकार मिलेगा। तो बच्चों, इस प्रकार साउथ अफ्रीका का नया संविधान बना और जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान कहलाया। इस प्रकार जो है 27 अप्रैल 1994 को पहली बार जो है वो दक्षिण अफ्रीका के सभी लोगों को समान अवसर मिला मतदान देने का, और इस प्रकार साउथ अफ्रीका को अपना नया संविधान मिला और जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान कहलाया। और इस संविधान के अकॉर्डिंगली, मतलब इससे क्या हुआ, नागरिकों को एक व्यापक अधिकार मिला, यानी नागरिकों को एक व्यापक मैंने ज़्यादा अधिकार मिले, समान अधिकार मिले नागरिकों को, जो पहले उन नागरिकों को इतने अधिकार नहीं थे, अब संविधान बनने के बाद, संविधान निर्माण करने के बाद उनको व्यापक अधिकार मिला। और विश्व के लोकतांत्रिक राज्यों में जो है दक्षिण अफ्रीका का ये संविधान एक मॉडल के रूप में प्रेजेंट हुआ, एक मॉडल माना गया, एक एग्जाम्पल, एक मॉडल के रूप में जो है वो देखा गया। मतलब विश्व के बहुत सारे लोकतांत्रिक राज्य ऐसे थे, उनके लिए साउथ अफ्रीका का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था, लोक संविधान था, वो एक उदाहरण था, एक आदर्श था, एक मॉडल था। अब जो है
जो कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले, साथ में रहने वाले लोग जो थे और दृढ़ निश्चय करने वाले लोग जो थे, लंबे संघर्ष में भाग लेने वाले जो लोग थे, उनके अथक प्रयास के कारण ये संभव हो पाया था कि इंद्रधनुषी समाज की रचना हुई और एक साउथ अफ्रीका एक गणराज्य के रूप में जो है वो स्थापित हुआ। और इन लोगों की जो बहुत जो कड़ी, जो लोगों ने संघर्ष किया था, जो लोगों ने अपना योगदान दिया था, जिन लोगों ने साउथ अफ्रीका में एक लंबी लड़ाई लड़ी, नेल्सन मंडेला जैसे नेतृत्व, नेल्सन मंडेला जैसे लीडर के नेतृत्व में एक लंबा संघर्ष चला, एक लंबी लड़ाई चली, उन लड़ाई में, युद्ध में जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, जिन्होंने भूमिका निभाई, उनका ही ये प्रयास था कि साउथ अफ्रीका जो है को अपना एक नया संविधान मिला और वो गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। तो बच्चों, अब संविधान जो था वो साउथ अफ्रीका का अब साउथ अफ्रीका को अपना नया संविधान मिला और लोगों के पृथक अथक और बहुत कठिन परिश्रम के बाद, संघर्ष के बाद साउथ अफ्रीका को अपना एक नया संविधान मिला जो कि पूरी तरीके से लोकतांत्रिक प्रणाली पे आधारित था और जो पूरी तरह से साउथ अफ्रीका को गणराज्य जो है उसने स्थापित, गणराज्य के रूप में स्थापित किया। बच्चों, अब हम डिस्कशन करेंगे, अब आगे ये है कि दक्षिण अफ्रीका को तो अपना संविधान अब मिल गया था, अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना क्या थी। जैसे कि हर संविधान का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, एक प्रस्तावना होता है, जैसे कि हमारे देश के संविधान में भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है। हर देश के जिन लोकतांत्रिक देशों में अपना संविधान है उनका अपना एक इंट्रोडक्टरी पार्ट भी होता है, उसका प्रस्तावना भी, तो उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका के संविधान का की भी प्रस्तावना थी जो कि बहुत ही एक बहुत नैतिक मूल्यों पर आधारित थी और जो बहुत ही एक उच्च कोटि की प्रस्तावना प्रस्तुत की गई है साउथ अफ्रीका के संविधान में। बच्चों, तो वो प्रस्तावना मैं आपको पढ़कर बताती हूँ कि उस, क्योंकि हम प्रस्तावना को जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना होती है, जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, उसके शब्दों में हम फेर बदल नहीं कर सकते हैं, यानी हम उसको डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, हम जो है उन शब्दों को हटाकर अपने शब्द उसमें नहीं लगा सकते हैं। तो एज इट इज जो शब्द होते हैं, लिखा गया है संविधान, हम उसी को जो है वो पढ़ते हैं और उसी को मानते हैं। तो हम जो है, हम आपको उस संविधान का जो प्रस्तावना पार्ट है वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य, यानी उद्देशिका जो है, उसके पर्पस, उसका ऑब्जेक्टिव्स जो है वो निम्न प्रकार है। वो क्या है ऑब्जेक्टिव्स? हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, अपनी भूमि पर आजादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं, अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं, इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानव अधिकार पर आधारित एक समाज बन सके। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त और समाज की स्थापना हो, एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिक को कानून से समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्रियों के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। बच्चों, ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना है।
जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले लिखा गया है, सबसे पहले ये प्रस्तावना जो है वो अंकित की गई है। मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के बता देती हूँ कि इस प्रस्तावना में क्या है। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने वालों, कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं, अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं, इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने हुए अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र को सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानव अधिकार पर आधारित एक समाज बन सके, एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार चले और हर नागरिक को कानून के समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्रियों के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था, प्रस्तावित पोर्शन था, प्रस्तावना थी। और बच्चों, नेल्सन मंडेला ने संविधान निर्माण के बारे में, संविधान निर्माण हुआ और जब साउथ अफ्रीका के पास अपना एक संविधान मिला, तब नेल्सन मंडेला ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों के लिए है। एक तरफ तो ये एक पवित्र समझौता है और कि दक्षिण अफ्रीका जो है के रूप में हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम अब रंग भेदी और क्रूर दमनकारी जो युग था इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे और जो है अपने देश के सभी लोगों द्वारा जो वास्तविक अर्थों में जो है इसका साझा जो इसकी मीनिंग जो है उसको अपनाएंगे और श्वेत अश्वेत स्त्री पुरुष यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। यानी नेल्सन मंडेला ने पूरी तरीके से जो है वो गणतंत्रीय या जो कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक विचारों को जो है उन्होंने जो है विचारों को व्यक्त किया और उन्होंने ये कहा कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों के लिए है और एक तरफ तो ये एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि फिर से रंग भेदी और दमनकारी और क्रूर जो है वो शासन को फिर से लागू करने का या फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे और जो है इस और अपने अपने देश के लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में इस मीनिंग को साझा करने की घोषणा हम करते हैं और यह श्वेत अश्वेत स्त्री पुरुष जो है ये देश पूर्ण रूप से सबका है। तो बच्चों, ये था आपका संविधान जो है साउथ अफ्रीका का नया संविधान, किस तरीके से साउथ अफ्रीका का नया संविधान बना और साउथ अफ्रीका का नया संविधान जो है वो देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित भी हुआ। और जो है संविधान का, अब हम संविधान के अर्थ जान लेते हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको संविधान का अर्थ बताया था, पहले जब लेक्चर हमने शुरू किया था, पाठ शुरू किया था, फिर भी हम आपको संविधान का अर्थ इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने के बाद हम कुछ अपना तर्क निकालते हैं संविधान के अर्थ के बारे में कि संविधान असल में है क्या। अब ये है कि लोकतंत्र में जो है किसी को भी मनमानी करने का कोई अधिकार नहीं होता है और इसके लिए कुछ बुनियादी नियम होते हैं। यानी हम लोकतंत्र में अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, हम लोकतंत्र में अपने नियमों के आधार पर जो है अपने कामकाज कर सकते हैं और लोकतंत्र में कुछ बुनियादी नियम होते हैं जिनके आधार पर सरकार का गठन होता है और जिनके आधार पर सरकार अपना कामकाज जो है वो करती है और निर्णय लेती है और पॉलिसीज और नीतियाँ और कार्यक्रम भी बनाती है।
तो बच्चों जिनका पालन न केवल सरकार बल्कि नागरिकों को करना पड़ता है, यानी सरकार को और नागरिकों को दोनों को ही उसका पालन करना पड़ता है उन बुनियादी नियमों का। तो ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप जो है वो संविधान कहलाता है। यानी ऐसे नियम जिन जो बुनियादी नियम होते हैं जिन पे लोकतांत्रिक जो है प्रणाली आधारित रहती है और उनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है, तो ऐसे नियमों का जो सम्मिलित रूप होता है वो संविधान कहलाता है। अब देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार और सरकार की शक्ति और उनके काम काज करने के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। यानी अगर देश का एक सर्वोच्च कानून की हैसियत रखने वाला संविधान, यानी देश का सर्वोच्च कानून, किसी भी देश का सर्वोच्च कानून जो है वो उसका संविधान होता है। उससे बड़ा कानून जो है किसी भी देश का संविधान अगर है उसके पास, लोकतांत्रिक देश का अगर संविधान उसके पास है, तो उससे बड़ा कानून उस देश में कोई नहीं होता है। तो देश का सर्वोच्च कानून की हैसियत रखने वाला संविधान जो है वो नागरिकों का अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। साथ साथ ये सरकार और लोगों के बीच के संबंध को भी तय करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा जो है लिखित नियमों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश में रहने वाले लोग जो है सभी लोग जो है सामूहिक रूप से उसको स्वीकार करते हैं या सामूहिक रूप से इसको मानते हैं, और सरकार और लोगों के बीच जो है ये संविधान जो है वो संबंध को तय करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो है देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से, यानी किसी भी देश का सर्वोच्च कानून उसका अपना संविधान होता है। किसी लोकतांत्रिक देश का, जिस भी देश का संविधान है उसका सबसे बड़ा कानून जो होता है वो उसका संविधान होता है। तो देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से जो ये संविधान होता है वो नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति, उसके काम काज करने के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सभी लोग जो है वो सामूहिक रूप से मानते हैं या उसको स्वीकार करते हैं, और तथा लोगों और सरकार के बीच संबंध भी संविधान तय करता है। अब बच्चों, संविधान की हमें जरूरत क्यों है? क्यों हमको संविधान की जरूरत है? हम क्यों संविधान अपने देश में बनाना चाहते हैं? अब संविधान की जरूरत क्या है, इस बात की हम सबसे अच्छा उदाहरण जो है, जो हमने डिस्कशन किया है, वो है साउथ अफ्रीका का। जो सबसे अच्छा उदाहरण उसका साउथ अफ्रीका का है कि प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है के लिए एक लिखित जो है संविधान आवश्यक है। कुछ विद्वानों का मत है कि संविधान की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और ऐसे विद्वान ये तर्क देते हैं कि ब्रिटेन का कोई संविधान नहीं है फिर भी ये लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देशों में सम्मिलित है। लेकिन ये तर्क जो है कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि संविधान जो है सिर्फ एक लिखित नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि इसका जो सही अर्थ यह है कि इसके अंतर्गत सभी रीति रिवाज, परंपराओं और अधिनियम, कानून, ये सारे जो है वो इस संविधान में आ जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं, चाहे वो लिखित हो चाहे वो अलिखित हो, तो ये सिर्फ लिखित नियमों का संग्रह नहीं है बल्कि इसमें सारे परंपराएं, रीति रिवाज और अधिनियम और कानून और भी आ जाते हैं, चाहे वो लिखित हो चाहे वो अलिखित हो। अब जे लिनेक नामक जो है वो नागरिक शास्त्री थे, उन्होंने ये कथन लिखा। उन्होंने कहा कि बिना संविधान के राज्य नहीं रह सकता है, अपितु अराजकता फैल जाएगी। यानी संविधान जो है किसी देश की एकता को बनाए रखने में, किसी देश की अखंडता को बनाए रखने में, किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान का रहना बहुत जरूरी है, वरना अराजकता फैल जाएगी। अब दक्षिण अफ्रीका के संबंध में जो कुछ भी बताया गया, जो कुछ भी हमने आप अभी पढ़ा, उससे तो यही हमने निष्कर्ष निकाला कि संविधान की आवश्यकता और भूमिका जो है स्पष्ट रूप से अनिवार्य है, जरूरी है। सभी नागरिकों को की आस्था सरकार में होनी चाहिए। नागरिक चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, उन्हें सरकार में भरोसा होता है और ये वो मानते हैं कि सरकार उनके हितों की रक्षा करेगा, सरकार उनके अधिकारों की रक्षा करेगा।
अब साउथ अफ्रीका में जो संविधान बना उसमें बहुसंख्यक जो उसमें बहुसंख्यक अश्वेत थे, यानी ब्लैक जो थे मेजॉरिटी में थे, और जो श्वेत जो माइनॉरिटी में थे, जो श्वेत अल्पसंख्यक थे, उन दोनों को सरकार में भरोसा था कि वो सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी। और कहीं ना कहीं संविधान में, तो हमने अभी आपको बताया कि दक्षिण अफ्रीका में संविधान में ये बात पूरी तरह से क्लियरली स्पष्ट रूप से कही गई थी कि श्वेतों और अश्वेतों के बीच भेदभाव समाप्त कर दिया जाएगा और ये राष्ट्र, ये राज्य दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र सबका है। तो ये बात तो साउथ अफ्रीका के संविधान में स्पष्ट रूप से कही गई थी, और इसीलिए दक्षिण अफ्रीका में जो बहुसंख्यक अश्वेत थे और अल्पसंख्यक श्वेत थे, दोनों ही सरकार में भरोसा रखते थे और ये मानते थे कि वो सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी। अब शासकों के चुनाव के नियम हो या सरकार के कार्य हो या नागरिकों के अधिकार और सरकार के अंगों के गठन, ये सब संविधान में स्पष्ट रूप से इसके प्रोसेस के बारे में, इसके के बारे में उल्लेखनीय है। यानी शासकों के चुनाव का अगर नियम हो, सरकार के कार्य हो, नागरिकों के अधिकार हो, नागरिकों के कर्तव्य हो, या सरकार के अंगों के गठन आदि के, इन सब विषयों का जो उल्लेख जो है वो संविधान में स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है, पूरी तरीके से क्लियरली बिल्कुल स्पष्ट है कि संविधान लिखित कानून होता है, संविधान नियमों का एक संग्रह होता है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक डॉक्यूमेंट होता है, एक नियमों का एक संग्रह कलेक्शन होता है, एक नियमों का संग्रह होता है जिसे उस देश के रहने वाले सभी नागरिकों को, नागरिक जो है वो मानते हैं, उसको अपनाते हैं और स्वीकार करते हैं। या कहते किसी देश का ये, और यह किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि संविधान जो है किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज कि किसी भी देश का सर्वोच्च कानून उसका अपना संविधान होता है, और संविधान सर्वोच्च कानून है जिसे किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग, यानी उसके नागरिक लोग, उसको स्वीकार करते हैं, उसको मानते हैं, और मानने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। अब संविधान के बीच जो है, संविधान जो है वो बहुत सारे कार्य करता है, संविधान बहुत सारे कार्यों पर जोर देता है, बहुत सारे कार्य करता है। पहला कार्य ये है कि इस विभिन्न साथ में रह रहे विभिन्न लोगों के बीच में एक सामान्य, एक भरोसा जो है वो, और सहयोग विकसित करता है। यानी संविधान साथ में रह रहे विभिन्न जो समूह के लोगों के बीच में, उनमें भरोसा और एक जो है वो सहयोग जो है वो उत्पन्न करता है। दूसरा आपका है कि सरकार का गठन कैसा हो और फैसला यानी निर्णय लेने का अधिकार क्या हो, इसका भी जो है वो निर्धारण जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है, यानी संविधान करता है। यानी किस प्रकार की सरकार का गठन हो, सरकार का गठन किस प्रकार हो और कैसी सरकार का गठन हो, और निर्णय लेने का यानी सही फैसला लेने का अधिकार किसका हो, इसका भी निर्धारण संविधान यानी संविधान करता है। और तीसरा यह है कि यह सरकार जो है, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है। यानी सरकार जो है वो संविधान के द्वारा ही अपने अधिकारों की सीमा तय करती है। यानी सरकार को अपना अधिकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के द्वारा ही मिलता है। जैसा कि हमने बताया कि सरकार को उनकी शक्तियां, उनके अधिकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रदान करता है, और ये बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं, नागरिकों के राइट्स क्या है, नागरिकों की ड्यूटीज क्या है, नागरिकों के अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, ये संविधान तय करता है। और बच्चों सबसे लास्ट में है कि एक अच्छे समाज के गठन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, लोगों के एस्पिरेशंस को जो है वो, आकांक्षाओं को जो है वो व्यक्त करता है। तो बच्चों संविधान के काम क्या है, पहला काम आपका है, मैंने बताया कि साथ में रह रहे विभिन्न लोगों के बीच में जो है वो सहयोग और भरोसा जो है विकसित करता है। दूसरा है कि सरकार का गठन कैसा हो और सही निर्णय का अधिकार जो है किसका होगा, ये भी संविधान निर्धारित करता है। तीसरा, सरकार के अधिकार के सीमा का भी निर्धारण संविधान करता है, और नागरिकों के अधिकार और उनके कर्तव्यों का भी निर्धारण
जो है वो संविधान करता है, यानी सरकार को अपनी शक्तियां और अधिकार जो है संविधान के द्वारा प्राप्त होती है। और है सब लास्ट में है कि अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को भी ये व्यक्त करता है। तो इन सब आधार के बीच में हम ये कह सकते हैं ना कि जिन देशों में संविधान है बच्चों, अब ये है कि जिन देशों में संविधान है ये जरूरी नहीं कि वो देश लोकतांत्रिक प्रणाली के हों, लेकिन जो देश लोकतांत्रिक प्रणाली के हैं उनमें संविधान होना आवश्यक है। तो अब ब्रिटेन के विरुद्ध जो आज़ादी के बाद जब अमेरिका ने अपना संविधान निर्माण किया तो वो पूरी तरीके से रिपब्लिक था, वो पूरी तरीके से जो है वो गणतंत्र था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस को जो अपना संविधान मिला वो पूरी तरीके से जो था वो डेमोक्रेटिक था, गणतंत्र था, रिपब्लिक था। तो बाद में और इसके बाद जो लोकतांत्रिक शासन वाले देश जो थे वो उन्होंने अपना लिखित संविधान बनाना आवश्यक समझा और अपने अपने देश का उन्होंने संविधान बनाना शुरू किया। और बहुत सारे ऐसे लोकतांत्रिक प्रणाली देश हैं जिनका अपना संविधान है। तो बच्चों आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे जो है आपका हम दो टॉपिक रह गया है जो आपका हाफ एली सिलेबस तक है, वो है भारतीय संविधान का निर्माण और दूसरा है आपका संविधान निर्माण का रास्ता। यही यहाँ तक आपका जो है आपका हाफ एली सिलेबस में आएगा इस चैप्टर में। तो ये दो टॉपिक हम अपने अगले जो है लेक्चर में हम शुरू करेंगे और इसको हम ख़त्म करेंगे। तो बच्चों आपको सिलेबस हमने बता ही दिया है कि आपका सिलेबस जो है वो हिस्ट्री में आपका जो सिलेबस है वो आपका सिलेबस जो है दो चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका फ्रांसीसी क्रांति है, दूसरा आपका जो है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति है। और नागरिक शास्त्र में जो है आपका पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या एवं क्यों, और दूसरा चैप्टर आपका है कि संविधान निर्माण, जिसमें है संविधान निर्माण का रास्ता। वहाँ तक आपका जो है वो हाफ एली में सिलेबस है आप। और आप जो है इन चैप्टर्स को बहुत थरली पढ़िएगा, बुक को भी पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो है बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आप जो है बहुत अच्छे से जो है नोट्स प्रिपेयर जो आपने किया है, जो मैंने आपको लेक्चर दिया है, जो मैंने आपको समझाया है पॉइंट्स, और जो आपने और आप जो बुक से पढ़ रहे हैं वो सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से जो है आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा एंड स्टडी एट होम। डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड स्टडी एट होम। सो चिल्ड्रन वी विल स्टॉप हियर, हम यहाँ बंद करते हैं और अगले लेक्चर में जो है हम अपना नया शीर्षक शुरू करेंगे जो आपका लास्ट शीर्षक होगा हाफ एली सिलेबस के लिए। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, गुड बाय।